आपको पता है कि नंबर वन रेप के मामले में कौन सा प्रदेश है? मध्य प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश को लेकर तो सवाल खड़े कर रहे हैं, नंबर वन मध्य प्रदेश है, नंबर थ्री पर आता है राजस्थान। दो आपके ही प्रदेश हैं, आप लोगों की सरकार है, वहां पर रेप के मामलों को क्यों नहीं रोका जा रहा है और आप यहां पर बैठकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, ये भारत की सामाजिक संरचना के बारे में बात करूंगा। मैं एनएसओआई का होने से पहले जेएनयू का एक छात्र हूँ, शोधार्थी हूँ, पीएचडी स्कॉलर हूँ। आप पहले बात करें कि आपका जो कल्चर है, जो सिस्टम है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन इस सिस्टम में नहीं है। मैं खुश हूं कि चित्रा जी आप यहां एंकर हैं, लेकिन मैं चाहता हूं इस ऑफिस का 50% हिस्सा आबादी का 50% हिस्सा हो। मैं चाहता हूं पार्लियामेंट का 50% हिस्सा, जुडिशरी का 50% हिस्सा महिलाएं हों, पर वो क्या है? नहीं है। जब तक महिलाओं का हिस्सा नहीं होगा इस सिस्टम में, तब तक महिलाएं सेफ नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने क्या नहीं कहा था कि हमें रिजर्वेशन चाहिए 33% सारी असेंबलीज में? और ये जो आप दिखा रही हूं, आप स्टूडेंट्स हैं, मोदी सरकार, गौरव भाटिया वहां मौजूद है, सुन रहे हो मेरी बात, मोदी जी के कान में कहिएगा जरूर कि क्या आप 33% महिलाओं के लिए जो आरक्षण है, क्या चित्रा जी आप सहमत नहीं है मेरे से कि पार्लियामेंट में और असेंबलीज में और हर जगह पर जहां पर चुनाव होता हो इंश्योर किया जाए कि इस पुरुषवादी सत्ता के समाज में 33% महिलाओं का स्पेस हो? सिर्फ रेप रेप के मामले पर एक दिन की बताऊं, मर्द नहीं समझ सकते, महिला होने का जो डर होता है, सुनसान सड़क पर चलने का डर होता है, मर्द नहीं समझ सकते। बिल पारित हुआ एक सदन से, दूसरे सदन में कांग्रेस की सरकार उसे लाई नहीं। चित्रा जी, ये है इनकी सच्चाई। गौरव भाटिया सरकार आपकी है, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, बड़े राज्यों में कई ऐसे महत्वपूर्ण राज्य है जहाँ पर सरकार आपकी है। आप लोग नजीर क्यों नहीं स्थापित करते हैं ताकि बेटियों को सुरक्षा देने में आप लोग कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इस देश को लग जाए। ऐसी स्थिति भी तो नहीं बनती है। और मैं यहां पर जिक्र कर रही हूं जिसमें दोनों ही सरकारें आती हैं, आपकी भी सरकार 5 साल 2004 में जब धनंजय चटर्जी को आखिरी बार फांसी दी गई थी, उसके बाद से लेकर अब तक 2020 तक 4 लाख से ज्यादा रेप के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसा क्यों होता है इस देश में? गौरव भाटिया, चित्रा जी सबको पता है 2012 में उनसे जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं लौटूंगी। उसके बावजूद भी केस लगातार रेप के केस होते जा रहे हैं। किसी को डर नहीं है। प्लीज आप उनको बोल लेने दीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा प्लीज चुप करा लीजिए। वो चुप हो गए, बताइए गौरव प्लीज। ये तरीका मैं समझता हूँ, ये तो यहाँ पे भी अराजकता फैला रहे हैं। नहीं नहीं, वो चुप है, एजेंडा के साथ आ जाते हैं। सबसे पहले तो इनकी याददाश्त को तरोताजा कर दे, ये गजनी बन के आते हैं। हाँ, सबसे पहले ये जो महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं, तथ्यों को चेक करें, एक सदन में पास हुआ था, कांग्रेस की सरकार दूसरे सदन में लाई ही नहीं थी, इतनी गंभीर थी। आपके समर्थन दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपको याद हो, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन हम लोगों ने चलाया और आप देखिए किस तरह से जो सेक्स रेशियो था। सभी लोगों से गुजारिश है लेकिन इस देश में ऐसा क्या हो ताकि हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को सुरक्षित कर पाए? चित्रा जी मैं कहूंगा आप ऐसे अराजक तत्वों को जब बुलाया करिए, ये लाठी पत्थर वाले हैं, इनको ऐसे ही बात करना अच्छा लगता है? मैं उस संवेदनशीलता की उम्मीद करती हूँ क्योंकि पूरा देश इस वक्त आप लोगों को देख और सुन रहा है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।